नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। अशोकनगर, आगामी त्योहारों को लेकर साढ़ौरा थाना प्रभारी राजा राम धाकड़ ने औपचारिक बैठक लेकर गणमान्य नागरिक और पत्रकारों से सुझाव मांगे। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर हुई चर्चा में कहा गया कि जन्माष्टमी के दिन लगभग 10 से 12 मंदिरों पर आरती पूजन होगा। थाना प्रभारी ने सबको प्रशासन की गाइडलाइन से अवगत कराते हुए कहा कि कोविड-19 रूल्स का पूरी तरह से पालन हो, मंदिरों में रूल्स अनुसार उपस्थित होकर त्यौहार मनाएं। थाना प्रभारी राजा राम धाकड़ ने सभी से अपील करते हुए कहा कि भीड़भाड़ की स्थिति से बचें, तीज त्यौहार शांति से मनाएं और कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि अपराधों पर हम अंकुश लगा सकें, सबको समय पर न्याय मिले, इसके लिए हमें जनता का सहयोग भी चाहिए जिससे सामंजस्य से कार्य हो सके। हम बात करने जा रहे हैं साढ़ौरा थाना प्रभारी महोदय श्री राजाराम धाकड़ जी से। राजाराम धाकड़ जी जो कि DSP रैंक है और यहाँ पर साढ़ौरा में उन्होंने प्रशिक्षु के रूप में यहाँ प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। तो आदरणीय सर, आपने यहाँ पर कब ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद क्या पाया? मेरा यहाँ पर थाना प्रभारी के रूप में 18 अगस्त से यहाँ पर ऑर्डर हुआ है, तो 18 तारीख को 18 अगस्त को मैंने ज्वाइन कर लिया था। और ज्वाइन करने के बाद मैंने थाने का सभी सारा रिकॉर्ड देखा, सारी पेंडेंसी देखी, सारे जो भी यहाँ पे दस्तावेज है वो देखे। तब से मैं निरंतर गाँव की लिस्ट बनाकर उस कस्बे में और क्षेत्र में जा रहा हूँ। तो प्रथम दृष्टया यह साढ़ौरा एक बहुत ही शांतिपूर्ण एरिया मुझे मालूम होता है, जहाँ पर ज़्यादा कोई गंभीर किस्म के अपराध नहीं है। यहाँ पर तो प्रथम दृष्टि एक अच्छा एरिया है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि लॉ एंड ऑर्डर इस क्षेत्र में अच्छा बना रहे और अपराधों पर ज़्यादा से ज़्यादा अंकुश लगे। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप एक पुलिस वाले हैं और पुलिस वाले को क्राइम पर अंकुश कसना ये तो आपका कर्तव्य है, लेकिन प्राथमिकता किस अपराध पर रहेगी और किस तरह की? प्राथमिकता जो मुझे सबसे ज़्यादा मालूम पड़ती है एक पुलिस अधिकारी के रूप में, थाना प्रभारी के रूप में, वो महिला सुरक्षा और महिला अपराध के क्षेत्र में रहेगी। इसके लिए हमने क्षेत्र में थाना कस्बा एरिया में और गांव में हमने गश्त बढ़ा दी है, पेट्रोलिंग बढ़ा रहे हैं, क्योंकि त्योहारों को देखते हुए महिला सुरक्षा और जो आम जन सुरक्षा उसके लिए बहुत हम काम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो भी छोटे मोटे तरह के अपराध हैं उन पर हमारा अंकुश लगाना हमारी दूसरी बड़ी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे मोटे अपराध हैं अगर उन पर अगर अंकुश नहीं लगाएंगे तो वही धीरे धीरे बड़े अपराधों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारी प्राथमिकता ही रहेगी कि जो अपराध हैं उनको शुरू से ही हम मतलब उनको रोक दें और इस तरीके से क्षेत्र में बढ़िया सा लॉ एंड ऑर्डर रहे, जनता पुलिस के एक सहयोगी के रूप में देखे। जनता अगर कोई जनता को कोई भी सुझाव है या कोई भी शिकायत है तो वो जल्दी से थाने में आप वो बिना डरे अगर वो सहजता से हमारे पास आ पाए, इसकी ओर हमारा एक अलग से प्रयास रहेगा। इसके लिए हम समय समय पर लोगों से जागरूकता की और अवेयरनेस बढ़ाने की हम अपील करते रहेंगे। आज आपके यहाँ साढ़ौरा थाना में शांति समिति की बैठक रखी गई थी, वो किस उपलक्ष्य में रखी गई? आज हमने शांति समिति की बैठक बुलवाई थी जो कि आगामी त्योहारों के परिप्रेक्ष्य में बुलाई गई थी। इसमें मुख्यतः जन्माष्टमी का त्यौहार जो कि 30 अगस्त को मनाया जाना है उसके उपलक्ष्य में चर्चा हुई। इसमें हमने सभी गणमान्य नागरिकों को, वरिष्ठ पत्रकारों को, सबको और साढ़ौरा क्षेत्र के जो वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया। इससे हमें पता चला कि उनके द्वारा हमें बताया गया कि इसमें ज़्यादा कोई बड़ा समारोह या बड़ा कोई आयोजन जुलूस से संबंधित नहीं होता है। तो चूँकि कलेक्टर साहब के जो आदेश निकले हुए हैं 31 अगस्त के लिए जो भी कोरोना की गाइडलाइंस हैं तो उनका पालन करने की हिदायत दी गई और उन्होंने सभी ने सर्वसहमति से इस बात की मतलब इच्छा भी प्रकट की और आशा की कि कोई भीड़ वाला कार्यक्रम चूँकि होता नहीं है तो शांतिपूर्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आप ये जो 30 त्यौहार आने वाला है इनसे संबंधित अपनी जनता जनार्दन को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, चूँकि हमारा देश अभी भी कोरोना की दूसरी लहर से उभर रहा है, अभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया है, तो इस पे शासन का भी प्रमुखता से जोर है कि हम जगह जगह भीड़ ना बनाएं, हम प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए रहें। इसके लिए अपने को एक व्यक्ति को स्वयं के स्तर से आगे आना चाहिए, वैक्सीन लगाएं प्रॉपर। तो इसमें हम हमारी जनता से अपील रहेगी, जनता से हमारी आशा रहेगी कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं, कहीं पर भीड़ जमा ना होने दें और इन कोरोना गाइडलाइंस का स्वेच्छा से पालन करें। तो इससे क्या पुलिसिंग में भी हमको बहुत सहयोग मिलेगा और हम जनता और पुलिस के सहयोग से ही व्यवस्था बनाई जा सकती है, किसी भी एक पक्ष द्वारा पूर्णतया व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। तो ये हमारा जनता से ही सहयोग की अपेक्षा रहेगी कि आगामी आने वाले जितने भी त्यौहार हैं
इसमें जनता का भी भरपूर प्रॉपर सहयोग मिले। हम इसके लिए सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की भी सहायता लेंगे, इसके लिए हम समय समय पर उनसे बैठक करते रहेंगे। हम बात कर रहे थे कि TSP महोदय से, राजाराम ठाकर जी से, जो कि साडरा के थाना प्रभारी है, साडरा अशोक नगर के जिला अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में प्रशिक्षु के रूप में इन्होंने 18 तारीख को 8-10 दिन पहले करीब ज्वाइन किया है। समय जगत के लिए अशोक नगर से चीफ ब्यूरो रेखा नामदेव की रिपोर्ट। खबर समय जगत के लिए अशोकनगर से ब्यूरो चीफ रेखा नामदेव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।